इस वीडियो का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में पढ़ने वाले उन स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों व वा, एकलव्य विद्यालय के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करना है जिन्हें नेटवर्क तथा अन्य कारणों से ऑनलाइन क्लास की सुविधा प्राप्त होने में कठिनाई के चलते नियमित क्लास अटेंड करने नहीं मिल पाता है इसका किसी प्रकार का व्यावसायिक उद्देश्य व्यावसायिक उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है आ, नमस्कार छात्रों आज करियर एंड एजुकेशन विथ प्रमोद सर इस यूट्यूब चैनल में लेकर आया हूँ कक्षा बारहवीं माह नवंबर का असाइनमेंट इस माह नवंबर अंग्रेजी विषय का असाइनमेंट कक्षा बारहवीं के लिए आप एक मॉडल आंसर लेकर आया हूँ और मैं यह छात्रों को निश्चित तौर पर बताना चाहूँगा कि इस मॉडल उत्तर को आपको एज इट इज़ अपने कापी में नहीं नोट करना है बल्कि इसमें जो मॉडल आंसर के तरीके बताए गए हैं उस उन तरीकों को आपको अपनाते हुए स्वयं के विचार से जो आ, जो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा वो आपको लिखने हैं यह एक मॉडल के तौर पर एक नमूने के तौर पर है इसका जरूर ध्यान रखें एज़ इट इज़ आप न उतारें अपने शब्दों का चयन करें चयन करें और इस तरह के वीडियोज़ आपके कोर्स से संबंधित टीचिंग वीडियोज़ लेकर मैं आता हूँ कैरियर के संबंध में गाइडेंस देने के लिए आता हूँ तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको निशुल्क कैरियर संबंधी बातें जानने को मिलेंगी और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे इसे सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें आइए देखते हैं विशेष सूचना है छात्रों दूरस्थ क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्रों को असाइनमेंट का मॉडल उत्तर लिखने के तरीके जानने के उद्देश्य यह वीडियो निःशुल्क उपलब्ध है छात्रों को इसके उत्तर को जसकतस नहीं उतारना है बल्कि इसे आइडिया लेकर स्वयं के विवेक से उत्तर लिखना है आइए आज बारहवीं मॉडल आंसर असाइनमेंट नवंबर माह का देखते हैं देखिए छात्रों ये ट्वेंटी मार्क्स का है इंग्लिश असाइनमेंट नंबर थ्री क्वेश्चन फर्स्ट है वाई डज डगलस एज एन एडल्ट चाउल चाइल्ड हुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कैनक्योरिंग ऑफ इट फोर मार्क्स का है वर्ड लिमिट सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड वर्ड से यह डीप वाटर जो चैप्टर थ्री है उसमें से है वाई डज डगलस एज एन एडल्ट एक एडल्ट के रूप में जो डगलस मैन कैरेक्टर है वो रिकाउंट कर रहा है एक uh, मतलब वो पास्ट को याद कर रहा है एज ए चाइल्ड हुड एक्सपीरियंस चाइल्ड हुड बचपन का जो अनुभव था एक टेरर का वो जैसा कि स्विमिंग करते हुए डूबने की स्थिति में आ गया था तो वो जो टेरर है आतंक है वो और वो जो अनुभव था आतंक का वो डर का जो अनुभव था उस पर वो कैसे कानक्योर किया विजय पाया उसके बारे में वो फिर से क्यों याद करता है रिकाउंट क्यों करता है फिर से याद क्यों करता है कारण बताना है तो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं आप डगलस एज एन देखिए क्वेश्चन का ही पार्ट इसमें लिख दीजिए वाई मतलब होता है क्यों आपको आंसर देना है बिकॉज क्योंकि के साथ डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट्स हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज वे ऑफ कॉन्क्योरिंग इट बिकॉज बिकॉज क्योंकि यू कैन गिव थ्री फोर पॉइंट्स है ना तीन चार ऐसे पॉइंट्स के रूप में आप लिखेंगे तो एक अच्छे आंसर uh, आपका तैयार हो सकता है ही वॉन्टेड टू ओवरकम फ्राम हिज टेरर एंड फेयर ओवरकम मीन्स जितना अपने टेरर और अपने फेयर से वह जीतना चाहता था ही फील्स दैट अनलाइक डेथ फीयर इज नॉट पीसफुल वह फील करता है महसूस करता है कि डेथ के जैसा जैसा कि डेथ पीसफुल है फेयर पीसफुल नहीं होता फियर आपको हमेशा uh, डर एक मन में आते रहता है थर्ड पॉइंट यू कैन राइट ही हैड एक्सपीरियंसड बोथ द सेंसेसन ऑफ डाइंग एंड द टेर दैट फियर ऑफ इट कपल इट कुड प्रोड्यूस वो एक्सपीरियंस करता है दोनों प्रकार का सेंसेसन का एक रोमांच का क्या कर सनसनी का क्या क्या एक डाइंग का मरने का और टेरर और फियर का वो दो इस प्रकार का अनुभव वो बताना चाहता है ये रियलाइज दैट द रिचनेस ऑफ लाइफ इज़ फाउंड इन एडवेंचर वो यह भी बताना चाहता है कि एडवेंचर में जो लाइफ का रिचनेस है वो मतलब दिखाना चाहता है ना एडवेंचर के रूप में एडवेंचर यानी रोमांच को दिखाना बताना चाहता है लाइफ के रोमांच को सेकेंड uh, क्वेश्चन ये पोयम से है पोइट्री सेक्शन से चैप्टर थ्री में जो पोएम है व्हाट इज द सैडनेस दैट पोएट रिफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट से के कैपिटल होगा यहाँ पे स्मॉल टाइप हो गया है कीपिंग क्वाइट के से लिया हुआ है तो आइए देखते हैं वर्ड लिमिट सेवेंटी फाइव फोर मार्क्स का है द सैडनेस द पोएट पैब्लो नेरूडा पैबलू नरुडा इज द पोएट ऑफ दिस पोएम रिफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वालिटीज यू कैन गिव थ्री आर फोर पॉइंट्स है ना इज द वर्ल्ड लिमिटेड सेवेंटी फाइव सैडनेस ऑफ आइसोलेशन दैट हैज मेड मॉडर्न मैन इट्स विक्टिम नाउ वॉट इज हैपनिंग इन अवर डे टू डे लाइफ कि आदमी जो है आइसोलेट होते जो ह्यूमन बींग इज ह्यूमन बींग इज गोइंग टू बी आइसोलेटेड फ्राम ईच अदर है ना सबसे अलग कोने में पड़ा हुआ है तो वो जो आइसोलेशन है वो उसको क्या कर रहा है आइसोलेशन उसको अपना विक्टिम बना, बना, बना रहा है शिकार बना रहा है दिस सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं दिस सैडनेस हैज़ मेड मैन सेल्फ सेंटर्ड एंड अनकेयरिंग टू द नीड्स ऑफ हिस फेलोमैन सेल्फ सेंटर्ड बना रहा है केवल अपने पर ध्यान देने वाला बना रहा है यह जो आइसोलेशन है और वह अनकेयर हो रहा है अपने फेलोमैन के प्रति जो भी उसके आसपास उसके प्रति अनकेयरिंग हो रहा है ही है सेक्रीफाइज द नीड्स ऑफ यूज इमोशनल सेल्फ इन फेवर ऑफ मटेरियलिज्म दुनियादारी के चक्कर में वह अन्य चीज़ों को अपने इमोशंस को भूलते जा रहा है मटेरियलिज्म मतलब जो दुनियादारी यू कैन से है ना मटेरियलिस्टिक लाइफ जो बोलते हैं वही क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए अनमोल इट इज अबाउट राइटिंग अटिस फोर मार्क्स का है अनमोल इंटरनेशनल स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ थ्री डे लॉन्ग साइंस एग्जीबिशन टू मार्क द फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ स्कूल एज एड गर्ल ऑफ़ स्कूल राइट नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग नोटिस एंट्रीज ऑफ स्कूल मॉडल्स चार्ट पिक्चर्स एट्सेट्रा फ्रॉम क्लास नाइन टू ट्वेल्थ आप स्कूल के हेड गर्ल हैं हेड गर्ल के रूप में आपको नोटिस बोर्ड में नोटिस लिखना है जिसमें कि आपको इनवाइट करना है नौवीं से बारहवीं तक पढ़ने वाले बच्चों से साइंस एग्जीबिशन के लिए आपको ये इनवाइट करना है मॉडल चार्टर पिक्चर्स तो यू कैन राइट लाइक दिस अनमोल ये ये जो है दिस इज दिस इज वेट दिस इज़ अ फार्मेट है ना आपको कोई भी मॉड एक आपको नोटिस लिखना है इस तरह से लिखना ज़्यादा सही रहेगा कि इस तरह से सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है बॉक्स में जहाँ भी लिखना है उसका हेडिंग एक होना चाहिए जैसे कि यहाँ पे अनमोल इंटरनेशनल स्कूल देन यू विल हैव टू राइट द डेट डेट के ठीक नीचे एक छोटा सा टाइटल लिख दीजिए जैसे इसमें थ्री डे लॉन्ग साइंस एग्जीबिशन है या यू कैन राइट साइंस एग्जीबिशन भी लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट देयर विल बी अ साइंस एग्जीबिशन टू मार्क द फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ स्कूल आन यहाँ पर आन नहीं हो पाया है आप यहाँ पर आन लिख दीजिएगा आन टेंथ ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी देर इज़ स्लाइट मिस्टेक स्मॉल मिस्टेक आप ये जो है यहाँ पर इसको आप कर लीजिएगा ट्वेंटी ट्वेंटी कर लीजिएगा ट्वेंटी ट्वेंटी यस राइट है ना नाउ इट इज़ ओके ओ वन मिनट शुड बी हम्म ट्वेंटी ट्वेंटी है नाउके स्टूडेंट्स टाइप करते हुए कुछ एरर आ गया था अरे और कोई भी नोटिस आपको जब लिखना हो तो ये फार्मेट इसका इस तरह से होना चाहिए आपके पास अब इसको अपन देखते हैं एक सबसे पहले तो स्कूल का नाम दे दिया है उसके ठीक नीचे एक टाइटल दे दीजिए डेट और टाइटल फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं देखिए ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर वाई इन्फॉर्म डेट देयर विल बी अ साइंस एग्जीबिशन टू मार्क मार्क फाउंडेशन डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ स्कूल ऑन टेंसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी इंटरेस्टेड स्टूडेंट फ्राम क्लास नाइन टू ट्वेल्थ कैन गिव देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर या टू द क्लास कैप्टन जो भी हो आप लिख सकते हैं दिस एग्जिबिशन विल भी फॉर मॉडल चार्ट मॉडल्स चार्ट ए से जोड़ लीजिएगा पिक्चर्स एट्सट्रा देयर विल भी अट्रेक्टिव प्राइजेस फॉर ऑल कैटेगरीज है ना हेड गर्ल बोल रहे थे हेड गर्ल के रूप में आप कोई सभी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे जितुन हितमर ने नाम लिख दिया है राइट ट्रैवलिंग होम वाइल्ड ट्रैवलिंग होम फाई बस यू लेफ्ट योर स्कूल बैग इन इट प्रिपेयर अ क्लासीफाइड यस क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट इन अबाउट फिफ्टी वर्ड्स फॉर द सेम है ना आप ट्रैवलिंग करते समय आपका जो स्कूल बैग है वो बस में छूट गया था तो आपको एक एडवर्टीजमेंट फिफ्टी वर्ड्स का बनाना है तो ये चूँकि मामला लॉस्ट का है तो लास्ट टाइम फाउंड हेडिंग के साथ आपका आएगा विज्ञापन आई लॉस्ट माई ब्लैक कलर्ड स्कूल बैग ऑफ द ब्रांड वी आई पी क्लासिक ड्यूरिंग माई वे टू होम फ्राम एम आर एस करपा ऑन एड अराउंड टू ओ क्लाक तो ये आप कुछ भी लिख सकते हैं आई लॉस्ट माई स्कूल बैग ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ दिस एंड दिस दो प्लेस का नाम है ना आन दिस एंड दिस डेट आप डेट डाल सकते हैं और उसमें जो इम्पोर्टेंट इट कॉन्टेंस माई बुक्स ऐसा डाल सकते हैं माई मार्कशीट इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट एट्सट्रा और फिर नीचे लाइन में दे सकते हैं इफ़ एनी बडी फाइंडस इट प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी ऑन माई मोबाइल नंबर ना द पर्सन विल बी रिवार्डेड रिवॉर्ड यानी इनाम दिया जाएगा कॉन्टेक्ट करके आप एक्स वाई जेड जो भी नाम हो वो आप डाल सकते हैं देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है लेटर राइटिंग के बारे में यू आर अब्दुल लिविंग एट फाइव कृष्णा विहार अपार्टमेंट दुर्ग देयर इज फ्रिक्वेंट का पावर कट एंड वोल्टेज फ्लक्चुएशन इन योर एरिया काजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस एंड डैमेजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज जो इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज हैं उपकरण हैं वो डैमेज हो रहे हैं ड्यू टू वाट इस कारण से आ, ये फ्लक्चुएसन वोल्टेज ऊपर नीचे चढ़ाव उतार हो रहा है और पावर कट बहुत हो रहा है उसके कारण से राइट लेटर टू असिस्टेंट इंजीनियर ए कैपिटल लिख लेना आप द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कम्प्लेनि अबाउट द डिफिकल्टीज यू फेस सिकिंग कोई क्विक एक्शन आपको चूँकि ये ट्वेंटी फाइव वर्ड्स का है फोर मार्क्स का है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी लेटर जब लिखा जाता है तो लेफ्ट या राइट साइड में आपको एड्रेस uh, लिखना है अपना स्वयं का और उसके बाद डेट लिखना है फिर जिसको एड्रेस किया हुआ है वो लिख रहेगा टू असिस्टेंट इंजीनियर सी जी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सब्जेक्ट आपको जैसा कि दिया है कंप्लेन फ्रिक्वेंट पावर कट एंड वोल्टेज फ्लक्चुएसन रिगार्डिंग सर आई एम राइटिंग यू टू कंप्लेन अबाउट फ्रिक्वेंट पावर कट्स एंड वोल्टेज फ्लक्चुएसन इन द रिसेंट मंथ इन माई एरिया सर मैं यहाँ पर कंप्लेन बताना चाहता हूँ कि मेरे एरिया में पावर कट्स और वोल्टेज फ्लक्चुएसन वोल्टेज का उतार चढ़ाव बहुत हो रहा है इस आ, इन महीनों में है न इट इज़ काजिंग ग्रेट इनकन्वीनियंस इसके कारण से बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही uh, है डैमेजिंग इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेज इसके कारण से इलेक्ट्रिकल जो अप्लायसेज हैं वो खराब हो रहे हैं डैमेज हो रहे हैं एज वेल इट हैज़ ए बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड स्टडी हैबिट्स इन अवर चिल्ड्रन और इसके कारण से जो घर के बच्चे हैं उनके स्टडी हैबिट्स और हेल्थ पर भी असर पड़ रहे हैं एवरी फैमिली मेम्बर इन द फैमिलीज फेसिंग प्रॉब्लम सभी को असुविधा हो रही है समस्या हो रही है यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज एज़ यू कैन जितना जल्दी हो सके आप जितना जल्दी आप कर सकें इस समस्या को दूर करिए आई होप दैट यू विल चेक दिस प्रॉब्लम विदाउट डिले थैंक यू योर स्पैथफुली अब्दुल चूँकि अब्दुल आपका नाम है इसलिए अब्दुल आपको लिखना है जैसा कि क्वेश्चन बोलता है राइट लेटर टू योर फ्रेंड आशा आश्रित रिक्वेस्टिंग हीज़ हर हर हिम टू टेक केयर इन पैनडेमिकचुएसन पैंडेमिक सिचुएसन अभी जो चल रहा है आ, उसको लेकर लेटर लिखना है टेक केयर हेतु हाउ टू टेक सेफ्टी मेजर्स फ्राम कोरोना वायरस उसको बताना है कि कैसे सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं आल्सो मैंशन योर एक्सपीरियंस ऑफ लॉकडाउन इन कोविड नाइन्टीन है ना तो सबसे पहले एड्रेस राइट साइड में लिख लीजिए लेफ्ट साइड में जैसा आपको सुविधा बने है ना उसके नीचे डेट लिख लीजिए आपका डे फ्रेंड का नाम आश्रित है डियर फ्रेंड आसिट आई एम क्वाइट वेल हीयर एंड होप द सेम फॉर यू कोई भी आप जब लेटर इन फार्मल वे पर लिखते हैं तो इन फॉर्मल वे का जो लेटर है शुरुआत सेंटेंस ही रहेगा आई एम क्वाइट वेल हीयर एंड होप द सेम फॉर यू ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम इट्स इंपॉर्टेंट टू कानक्योर लुकिंग आफ्टर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म इट विल ऑल्सो हेल्प यू फाइट कोविड नाइन्टीन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ इस तरह से आप एक लिख सकते हैं फर्स्ट इट इट हेल्दी एंड न्यूट्रीशस डाइट which हेल्प्स your इम्यून सिस्टम टू फंक्शन properly. Second, लिमिट योर alcohol कंजप्शन एंड अवॉइड शुगर ड्रिंक्स And ना थर्ड एल्कोहल से संबंधित चीज़ों और शुगर से संबंधित चीज़ों का अवॉइड करना सीखें तीसरी चीज़ आपको जो केयर करना है डोंट स्मोक स्मोक भी नहीं करना है ये सब लिखते हुए आप एक मेंशन कर सकते हैं आई स्टडीड न्यू बुक्स इन लॉकडाउन और लॉकडाउन के बारे में बताना है तो आप लिख सकते हैं कि आई स्टडीड न्यू बुक्स इन लॉकडाउन इन लालचू कम्प्लीटेड हाफ ऑफ माई सिलेबस है ना उसके बाद बाकी सब ठीक है रेस्ट्रीज होके योर फ्रेंड अमित इस तरह से आप कर सकते हैं और अगर पसंद आया हो और एकेडमिक आपको टीचिंग वीडियोज चाहिए तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद